हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदा की खस्ता मठरी, जो एकदम बॉल जैसी दिखेंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मठरी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा कप मैदा लिया हुआ है। अब मैं इस मैदे में 2 बड़ी चम्मच मोन के लिए तेल ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं 1 छोटी चम्मच अजवाइन को मसल के ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं 1 चुटकी नमक ऐड कर दूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, मोन अच्छा डाल रहा था, लड्डू बनने लगे हैं। अब मैं हल्के हल्के पानी की सहायता से कड़क आटा उसन के तैयार कर लूंगी। ये देखिए आटा उसन के रेडी हो गया है। अब मैं इस आटे की 2 लोइयां बना लूंगी और उसकी पतली सी रोटी बना के तैयार कर लूंगी। अब मैं ढक्कन की सहायता से छोटी छोटी गोल गोल पूड़ी काट लूंगी। कुछ इस तरह सभी पूड़ियां कट कर लूंगी। अब मैं सूखी मैदा लूंगी और सभी पूड़ियों को उनको अच्छे से कवर कर लूंगी। कुछ इस तरह सभी को सूखे आटे से कवर कर लूंगी। अब मैं 1 पूड़ी लूंगी, पानी का निशान लगा लूंगी कुछ इस तरह। बीचों बीच पानी लगाना है और उसी के ऊपर दूसरी पूड़ी भी रख लेना है और सेम उस पर भी इसी तरह पानी लगा लूंगी और तीसरी पूड़ी उसके ऊपर रख दूंगी। अब मैं चम्मच की सहायता से बीचों बीच उसे दबा दूंगी। जहाँ पर मैंने पानी लगाया था उसे अच्छे से वहाँ पर प्रेस करना है। उसे अच्छे से दबाने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए सभी बोल तैयार हो गए हैं। अब मैंने मीडियम तेल में तलने के लिए डाल दूंगी। ये देखिए मैदे की मठरी अच्छी तरह से खिलने लगी है। मठरी बनकर एकदम रेडी हो गई है। इन्हें अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बोल जैसे दिखने वाली मठरी बनकर तैयार हो गई। ये मठरी एकदम खस्ता बनी हुई है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।